गाइस गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एक्चुअली, एंड राम राम सा खम्बा गणी सा सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? तो फिलहाल गाइस आज मैं आया हूँ दाल पपड़ी खाने। यहाँ पे बहुत सारे लोग दाल पपड़ी बेचते हैं, उनमें से एक लोग और हैं जो कि मैं फिलहाल अभी पीछे जो देख रहा है आपको, ये है अग्रसेन सर्किल। अग्रसेन सर्किल के सामने यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके सामने भैया लगाते हैं ठेली। ये देखिए ये वाली ठेली, इस पे आपको दाल पकवान मिलेंगे, आपको पोहे मिलेंगे। काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी क्या है इसके पीछे, सक्सेस स्टोरी के पीछे। तो चलिए चलते हैं उनके पास सीधा। साथ हैं ये भैया, नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भास्कर। भास्कर जी, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे लगाते हुए? इससे पहले क्या काम करते थे भास्कर? होटल लाइन में था। अच्छा, रेस्टोरेंट वगैरह में मैं काम करता था। किसका काम करते थे, कुक का या वेटर का? कुक था। अच्छा, उसके बाद मुझे आइडिया आया उसका बिजनेस डालें। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अभी क्या क्या दे रहे हो आप? यहाँ पे दाल पकवान। हाँ, और पोहे रखते हैं। तो अभी पब्लिक से रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अच्छा, लास्ट 12 बजे तक। तो आपने लास्ट जॉब जो की थी कौन से होटल में की थी भैया? राजपूताना चिकन सेंटर में था। वहाँ पे आपने काम किया है काफ़ी टाइम तक, कितना टाइम हो गया वो टोटल? समथिंग 10 ईयर्स। आपको इस फील्ड में 10 साल हो गए? अच्छा अच्छा, तो आपने दाल पपड़ी पोहे का ही क्यों सोचा? एक्चुअली क्या सर, मैं खैरतल का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ज़्यादातर सिंधी रहते हैं। हाँ, तो मैं अलवर में आया, 10 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पे। तो मैंने सारी जगह खा के देखा, मुझे वो टेस्ट और वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता था दाल पकवान। अच्छा, तो मैंने इसको और बेस्ट क्वालिटी बना के यहाँ सर्व कर। अच्छा, तो कितने की दी है दाल पकवान? 20 रुपीज़ की। और पोहे कैसे दिए हैं? 20 रुपीज़। अच्छा, तो आप मुझे एक दाल पकवान खिला के दिखाइए, कैसे बनाते हो, क्या स्पेशल है इसमें, हम भी तो चेक करें। आप कितनी लगभग बनाते हो डेली? समथिंग 120 एंड 150 तक हो जाता है। आपकी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे तक, तो अब भी थोड़ा कम है, लोगों को कम पता है इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे भी एक दुकान खुल चुकी है। ओके ओके, मैंने ले लिया दाल पकड़ी। ओके, ये मतलब एक ही तरीके से सर्व करते हो कि? एक ही तरीके से, इमली की चटनी। अच्छा, ये इमली की चटनी दे रहे हो आप। ओके, ये लाल मिर्च, नमक, टमाटर, प्याज, जीरा। अच्छा, ये हमारा चाट मसाला, ये आपने खुद ने बनाया? जी सर। ओके, और ये मिर्च। ये दाल किसकी बनी होती भैया? ये उड़द चने की दाल होती है। उड़द चने की दाल। ओके, थैंक यू सो मच, यहाँ रख दो। अब खा के देखते हैं भैया की दाल, जो ये बोलते हैं कि पूरे अलवर शहर में इन्होंने टेस्ट करके और फिर अपना टेस्ट बनाया। चलिए खा के देखते हैं। भाई वाकई में मतलब टेस्टी है, खट्टापन है, सब कुछ बढ़िया है। मेरे को तो इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, और मुझसे डटा नहीं जा रहा इसको कंप्लीट किए बिना। भैया मैं एक और लूँगा। भैया आप पपड़ी खा रहे हो, कैसी लगी इनकी पपड़ी? बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है, अच्छी है। आपने कुछ नोट किया, इनकी पपड़ी जो है मोटी है? मोटी है। बाकी मैंने जहाँ तक खाई है वो हल्की होती है। मोटी भी है, दाल में भी अच्छा टेस्ट है। अच्छा अच्छा, भैया आप बताइए कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद आ रहा है। खट्टा मीठा, मतलब बहुत स्वाद आ रहा है। खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। थैंक यू भैया, एंजॉय कीजिए आपकी। भैया भी खा रहे हैं दाल पपड़ी, कैसी लगी भैया? बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरा ऑफिस ऊपर ही है, हम लोग डेली खाते हैं। ये लोग हमारे डेली रास्ते में, डेली ब्रेकफास्ट मेरा 2 पक्का होता है, और हमारे अलवर का मतलब ये बहुत एक बढ़िया पकवानों में से है। जैसे कड़ी कचौरी भी होती है, दाल पकवान भी बहुत फेमस है, मतलब बहुत लोग चाव से बहुत खाते हैं। हेल्थी भी होता है ये, मतलब बेनिफिट भी होता है इसमें, कोई मतलब ऐसी मसालेदार चीज़ नहीं होती है कि जो हेल्थ को इंजरी है। नॉर्मल दाल है और नॉर्मल पपड़ी है, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिट है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर पपड़ी। नमस्कार भाई, भाज का नाम है इनका, आपका पूरा नाम है भास्कर भाई। तो ये भास्कर भाई इतनी अच्छी पपड़ी भेज रहे हैं कि जो पपड़ी जो साइज़ है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मोटापन और इतनी टेस्टी खट्टा मीठा। लोगों से भी पूछा मैंने
और काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आप कहीं गुजर रहे हो अपने काम से, अगर से एक बार क्या आपको अच्छे से अच्छा एक बार जरूर ट्राई करना भैया की दाल पापड़ी। पोहे भी ये बेचते भैया, कितना पोहे लेके आते दिन में? सर 1 घंटे में 1 किलो पोहे निकल जाता है। अच्छा 1 घंटे में 1 किलो निकल जाता है, उसके बाद नए ले आते। ओके तो थैंक यू सो मच भैया, आपने टेस्ट कराई अपनी पपड़ी। और हम लोगों से यही दुआ करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सेवा का मौका अवश्य। जय श्री राम। खंबागढ़। ये भैया कौन है? ये भैया मैं एक्चुअली क्या है माल बनाता हूँ। अच्छा ये भैया यहाँ सामान। अच्छा आपका गोदाम कहीं और है, तो ये पपड़ी आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं और ये सर्व करते हैं भैया? ओके। इनका नाम भैया, आपका नाम क्या है? हैप्पी जी। हैप्पी जी कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मजा आ रहा है। आपको कितना टाइम हो गया इस पीरियड में? शुरुआत इनसे करी आपने? चलो खा के देखते हैं आपके हाथों में कितना स्वाद है। दोनों का कमाल होना है इसमें, है ना? आपका भी है और इनका भी है।